We are going to see detailed structure of bacteria. However, there is a diverse group of bacteria on earth. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटे, ये यूबिक्विटस होते हैं, या इसको दूसरे टर्म में हम कॉस्मोपोलाइटन कहते हैं। बैक्टीरिया कैन बी फाउंड एवरीवेयर एल्स। आप एक मुट्ठी धूल उठाओगे उसी में मिलियन का बैक्टीरिया रहेगा, और ये कहीं भी पाया जा सकता है। हम कॉस्मोपोलाइटन या यूबिक्विटस टर्म तभी यूज करते हैं जब हमें यह पता चलता है कि यह हर जगह पाया जाता है, हवा में, पानी में, बर्फ में, हॉट स्प्रिंग में, गीजर में, बर्फ में, मतलब हर जगह पाया जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं यूबिक्विटस या कॉस्मोपोलाइटन, ये कहीं भी पाया जा सकता है। अब रही बात एडेप्टेशन की, तो जाहिर सी बात है बेटा कि डिफरेंट बैक्टीरिया में थोड़ा सा डिफरेंट एडेप्टेशन तो होगा। क्यों सर? क्योंकि डिफरेंट लोकैलिटी में पाया जाता है ना। जैसे कि जो बैक्टीरिया गीजर में होते हैं, तो आपको पता है कि जब तक वो 110 डिग्री पे नहीं जाएगा वो उबलेगा ही नहीं वाटर। उसमें बैक्टीरिया अगर है, इसका मतलब है कि उस बैक्टीरिया के पास ऐसा एडेप्टेशन है कि वो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। उसको थर्मोफिलस बोलते हैं। थर्मो मतलब हीट, अफिली मतलब एफिनिटी। बैक्टीरिया -190 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आपको मिल सकता है। उसको बोलते हैं साइक्रोफिलिक। साइक्रो मतलब होता है एक्सट्रीम कोल्ड। तो एक इधर आप देख रहे हो कि हॉट स्प्रिंग और गीजर में पाया जाता है 110 डिग्री पे, और एक उधर -190 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बैक्टीरिया पाया जाता है। मतलब थर्मोफिलिक भी हो सकता है और साइक्रोफिलिक भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं यूबिक्विटस या कॉस्मोपोलाइट। लेकिन हम जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं बेटा, वो हम एक कॉमन स्ट्रक्चर देखेंगे। बाकी जो जितने एडेप्टेशन उनको गेट मिले हैं नेचर के द्वारा, इवोल्यूशन के द्वारा, वो हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे आगे। तो मैंने जो बोला आपको वो ये कि बैक्टीरिया कैन बी फाउंड, बैक्टीरिया कैन बी फाउंड एवरीवेयर एल्स, everywhere like soil, मिट्टी में पाया जा सकता है, water में पाया जा सकता है ना, snow में पाया जा सकता है, even radioactive material में पाया जा सकता है। radioactive material पढ़े होंगे आप लोग अपने chemistry में, radioactive material में पाया जा सकता है, hot spring में पाया जा सकता है, गर्म झरना है ना, डेजर्ट में पाया जा सकता है। अब कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल। इसीलिए इसको कौन सा टर्म देते हैं बेटे, यूबिक्विटस या कॉस्मोपोलाइटन। कहने का मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पाया जाए उसको हम यूबिक्विटस या कॉस्मोपोलाइटन बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है बेटे कि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही टर्म यूज हो। नो, जैसे इस धरती पे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, चाहे वो जिस लोकेलिटी में हो, चाहे वो दुनिया के जिस कोने में हो, क्लोरोफिल तो पाया जाएगा ना। यस सर। तो क्लोरोफिल भी क्या है? यूबिक्विटस। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ये टर्म हम केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही, समझे बात को ना मेरी ये बात। चलिए अब प्लीज देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, समझिएगा अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, वैसे तो जब हम सेफ पढ़ेंगे, अभी हमने ना सेफ देखा है डिटेल में, ना साइज, ना न्यूट्रिशन, कुछ नहीं देखा है, वो हम आगे देखेंगे। हम एक कॉमन बैक्टीरिया पिक कर रहे हैं बेटे, राइट ना। वो ये हम कॉमन बैक्टीरिया ले रहे हैं और इनके शरीर के चारों ओर एक थिक सेल वॉल होता है, लेकिन पूरे किंगडम मोनेरा में जो माइकोप्लाज्मा आप पढ़े हो उसमें सेल वॉल नहीं होता है।
बस केवल उसी में नहीं होता है, बाकी सारे बैक्टीरिया में होता है। तो जब हम माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे तो ये चीज वहां हम लिखेंगे, ठीक है, ये सेल वॉल है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल किसी और मटेरियल से बना होता है और यू बैक्टीरिया का सेल वॉल किसी और मटेरियल का बना होता है। तो आप पूछोगे, सर हम किसका डायग्राम बना रहे हैं? तो हम कॉमन बना रहे हैं, हम यू बैक्टीरिया आर्की को सबको मिला के बना रहे हैं। और अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आपको भी यही बनाना है, राइट ना, ये सेल वॉल है। बेटे सेल वॉल के ठीक अंदर इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन होता है, उनको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, सेल मेम्ब्रेन कहिए, प्लाज्मा लेम्मा कहिए, सब एक ही बात है। तो यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आप देखोगे ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड होता है ना, ये अंदर की ओर फोल्ड होता है कहीं कहीं। और ये किसका काम करता है, ये किसका काम करता है, तो ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्योंकि आपने लिखा था कि बैक्टीरिया के पास कोई वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि इन भाई साहब के पास ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गॉल्जी बॉडी है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। लेकिन चूंकि वह लिविंग है तो सेलुलर रेस्पिरेशन तो होगा ना, यस सर। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का फॉर्मेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास है ही नहीं। तो ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम करता है, इसको मेसोजोम बोलते हैं। दिस इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और एटीपी सिंथेसिस, हम लिखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, जगह जगह इनफोल्ड हो जाता है, इनर इन इन मतलब अंदर की ओर फोल्ड होता है, और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम मेसोजोम कहते हैं, हम मेसोजोम कहते हैं। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अच्छा, इसके बाद यहां पे इनका होता है राइबोसोम, यहां पे क्या होता है राइबोसोम। बेटे जब आप 9th-10th में थे तो आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे कि राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी बैक्टीरिया, इनके पास 70S राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोट्स यानी हम और प्लांट्स हैं इनके पास 80S राइबोसोम है। तब आप कहेंगे सर ये दोनों में अंतर क्या है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा तब जब हम राइबोसोम आपको वाकई पढ़ाएंगे टॉपिक के रूप में। हाँ, इतना जान लीजिए ये जो एस है ना, ये मेजरमेंट यूनिट है। अरे भाई जब तुम जाते हो आटा लाने के लिए तो तुम क्या कहते हो, ए भैया 2-4 किलोमीटर 4 किलोमीटर आटा दे दीजिए, मान मान पकड़ के मारेगा। किलोमीटर आटा होता है, केजी होता है ना, तब वही हुआ यूनिट। यानी राइबोसोम को मापने के लिए जो यूनिट है वहां वो एस है। एस मतलब होता है स्वेडबर्ग्स यूनिट, साइंटिस्ट के नाम पे है, अभी इतना जानिए आप। और जो 70S राइबोसोम होता है बेटा वो आउटडेटेड है, वो पहले के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता था, आई मीन प्रोकैरियोट्स में। लेकिन जैसे इवोल्यूशन पीक चला और सिस्टम अपग्रेड हुआ यूकैरियोट, उसमें 80S आ गया। ये वही है जैसे कि आप कीपैड मोबाइल यूज करते थे और स्मार्टफोन यूज करते हो, कीपैड में भी फोन पे बात होता है, स्मार्टफोन पे भी फोन पे बात होता है, लेकिन वो आप समझ ही गए होंगे। तो हाँ आप समझ गए होंगे आप। तो ये राइबोसोम है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये क्या बनाता, प्रोटीन बनाता। अच्छा, इनके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता। बेटा डीएनए दो तरह के होते हैं, जब हम आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो हम आपको डीएनए दो तरह के बताएंगे, एक सर्कुलर और एक लीनियर। हम लोगों में जो डीएनए पाया जाता है, ये बनाना मत, हम लोगों में जो डीएनए पाया जाता है बेटे वो लीनियर डीएनए होता है। यह एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल मतलब सीढ़ी जैसा घुमा हुआ, समझे। और डबल स्ट्रैंडेड क्यों बोला गया, क्योंकि दो चेन होता है इसलिए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये हम लोगों का ऐसे होता है डीएनए, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं आपको, आपको बस सीखना है, अभी बनाना नहीं है, अभी आपको नहीं बनाना है, अभी केवल सीखना है।
ऐसे करके, और यहाँ पे बेस पेयर होते हैं। अब बेस पेयर क्या है सब बताऊंगा बायोमॉलिक्यूल्स में, अभी आप नहीं समझेंगे, इसलिए अभी आप केवल ये जान लीजिए कि डीएनए एक ऐसा होता है, ये लीनियर डीएनए है, खड़ा खड़ा है ना, लीनियर डीएनए है। ये किसमें होता? यूकैरियोट्स में होता, हम लोग में होता, प्लांट में होता। लेकिन प्रोकैरियोट में कैसा डीएनए होता? होता डबल स्ट्रैंडेड लेकिन सर्कुलर होता। मतलब कैसा होता ये देखो, ये इनका जेनेटिक मटीरियल है ना, क्योंकि डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल होता है, ऐसा होता है। अच्छा एक और बात, हमारा जो डीएनए होता है बेटे, वो एक प्रोटीन में पैक होता है, एक प्रोटीन में पैक होता है, और जब उनको कॉपी करना होता है तब उस बैग से निकल करके कॉपी कर लेते हैं और फिर हिस्ट्रॉन प्रोटीन उसको पैक कर देता है। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि पापा आपके बोले मम्मा को कि सुनती हैं सो बिटिया या बेटा के ननिहाल से फोन आया था कि वहां जाना होगा, थोड़ा वर्क है। अब मम्मी का तो लॉटरी लग गया है, हाँ क्या उन्हें जाना ही चाहिए, अच्छी बात है ये। अब तो पापा बोले आपके मम्मी को, अरे एक दो दिन के लिए जाना, हाँ क्यों नहीं, दो घंटे के लिए चलती है। पापा को उधर काम उधर, मम्मी इधर बैग निकाली, अब पूरा एकदम साड़ी ना 10-15 साड़ी डाल डाल के एकदम, इतनी को बैग है 10। आपके पापा बोल रहे हैं अरे इतना क्या होगा, आशावादी होती है ना मम्मी, हाँ क्या पता दो दिन और मिल जाए रहने का मौका मैके में है। तो फिर आपने देखा ना कि पता है मम्मा का साड़ी बहुत लंबा होता, बहुत लंबा होता, लेकिन जब वो रखती हैं बैग में तो फोल्ड करके रखती हैं ना, फोल्ड करके इतना कम्बन, और एक छोटे से बैग में वो 10 साड़ी भी रख लेती है। कहने का मतलब क्या हो गया, वो पैक हो गया। इसी तरह हमारा डीएनए बेटा 2.5 मीटर का होता है, कितना होता है 2.5 मीटर का होता है, और इसको रहना कहाँ है, छोटे से न्यूक्लियस में। तो कैसे आएगा, वही करना होगा ना, फोल्ड करना होगा, फोल्ड करता कौन है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक ना, हिस्टोन प्रोटीन। कौन पैक करता है डीएनए को, हिस्टोन प्रोटीन। पैकिंग ऑफ डीएनए 3 पेज का टॉपिक है जेनेटिक्स में, इसलिए अभी इतना ही समझे आप। लेकिन एक बात बताइए, इसको पैक होने की जरूरत है क्या, नहीं, ये तो खुद ही पैक है। इसे तो खुद ही पैक है, इसको पैक होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये सर्कुलर डीएनए है और हमारा लीनियर डीएनए है। और अंतर दूसरा क्या है, हमारे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जबकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हमारा डीएनए पैक्ड होता है, इनका डीएनए नेकेड होता है, नेकेड मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इतना याद रखना है आपको। अभी इतना ही समझाने के लिए। तो यहां पे इनका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, इसको जीनोफोर भी बोलते हैं, आएंगे उस पे भी लेबलिंग करने के वक्त में। ये राइबोसोम हो गया, ये हो गया। अब बेटे वो बना रहा हूं जो ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, मतलब वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं या किसी और से ले सकते हैं। अगर वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब ऑटो मतलब सेल, ट्रॉफ मतलब फूड, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर, ऑटोट्रॉफिक हिंदी में स्वपोषी बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक को विषमपोषी बोलते हैं। तो अगर वो ऑटोट्रॉफिक है, अब अगर ये होगा तो ऑप्शनल होगा बेटे, ये सभी में नहीं पाया जाएगा, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे उसी में ये पाया जाएगा। इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर है ना, ये क्लोरोफिल है, ये केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा। ओके अच्छा नाउ, अब इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा बस इसके ज्यादा। हाँ अब मान लो कई बैक्टीरिया होते हैं जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब दे कैन मूव, तो उनके पास लोकोमोटरी मूवमेंट ऑर्गेन होता है। आप जब 9th-10th में थे या 8th में होंगे तो आपके टीचर पढ़ाए होंगे सीलिया और फ्लेजेला है ना, जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे पारामीशियम, इन सबों में क्या होता है, बस एक बार केवल दिखा दे रहा हूं, पढ़ेंगे हम लोग प्रतिष्ठा में, हम लोग भी पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि रियल भी दिखाऊंगा आपको।
डोंट वरी बेटे, ये देख, ये एक तो ऐसे होता, इसको कहते हैं सीलिया, जो छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, सीलिया, ये सीलिया है, ठीक है, ये इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, ऐसे करके मूवमेंट, ये सीलिया हुआ छोटा। लेकिन लेकिन अगर ऐसा रहेगा इसको फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है, ये रहा सीलिया और ये रहा फ्लैजिला, दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं, दोनों ही, आगे पढ़ेंगे हम लोग और इसको कट करके भी देखेंगे इसमें आखिर क्या होता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये बने होते हैं और ये बैक्टीरिया में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होगा, अगर नहीं होगा तो नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होगा, है ना, ये बात है। तो फ्लैजेला के आधार पे भी हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे आगे, अभी तो हम लोग कॉमन चीज देख रहे हैं ना, इसलिए। तो चलो अब हम लोग करते हैं लेबलिंग, ये कॉमन चीज है, इसको हमने बोला बेटा सेल वॉल, और सेल वॉल किसका बना होता है, इस जो यू बैक्टीरिया होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन का, जबकि आर्के बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है किसका, तो मुरामिक एसिड का, वो तब बताएंगे आपको। लेकिन नॉर्मली आपको कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा, पेप्टाइडोग्लाइकन वाला सेल वॉल, पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन, पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, इनका सेल वॉल किस किस चीज से मिलके बना है, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज से बना है ना, कार्बोहाइड्रेट से बना है, ओके। ये बाकी और कौन चीज होते हैं आगे बताऊंगा आपको, डोंट वरी, वैसे चलो बता ही देता हूं क्योंकि जरूरी है नीड टू। बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन दो चीज का बना है, एक नाग का एक नाम का, ये ट्रिक दे रहा हूं आपको, पेप्टाइडोग्लाइकन दो चीज से मिलके बना है, एक नाग एक नाम। पूरा नाम क्या है इसका, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, आ गया ना, देखो ग्लूकोजा अमीन अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो एसिड होगा तभी ना प्रोटीन बनेगा, तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, और नाम एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड का बना हुआ। तो देखो नाग और नाम दो कंपोनेंट मिले और बनाया क्या, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन से इनका सेल वॉल बना होता है। लेकिन जब आर्के बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा आपको तो केवल नाम होता है उसमें, नाग नहीं होता है, नाग ये नाग नहीं है यार, समझा करो बात को। तो सेल वॉल देख लिया आपने, चलो आगे, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा भाई ये क्या है, इसको आपने बोला क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा, ओके। अब आ जाओ इसकी बात करें, इसको हमने बोला राइबोसोम, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, कौन सा राइबोसोम, तो अभी तुम याद रखो 70s, ठीक, प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम बेटे 70s, यूकैरियोट में कौन सा 80s, एस क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट है, मेजरमेंट का यूनिट है, ठीक है, अभी इतना याद रखें। चले ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इसको क्या कहते हैं, डीएनए का यहां पे नाम क्या है, जीनोफोर, इसको क्या बोलते हैं, जीनोफोर। यह एक नेकेड डीएनए होता है, नेकेड डीएनए होता है, क्यों सर, क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, पैक्ड नहीं होते हैं, जबकि हमारे जो डीएनए होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन से वो पैक होता है, ये पैक नहीं होता है, इसको सर्टवर्ट नहीं पहनाया गया हिस्टोन का, इसीलिए ये नेकेड कहा जाता है, ओके।
अब एक चीज रह गया है, वो क्या? ये स्ट्रक्चर क्या है? ये मेसोजोम। मेसोजोम कैसे बना? तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेसोजोम में क्या होता है बेटा? मेसोजोम में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। मतलब कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जलते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहां क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या आप सिंपल कहिए ना, एटीपी सिंथेसिस यही होता है मेसोजोम। अच्छा, अब लास्ट चीज, जैसे एनिमल सेल में तो लाइसोजोम भी होता ना। लाइसोजोम को आप क्या बोलते थे? लाइसोजोम को आप सुसाइडल बैग बोलते थे ना? जब आप पढ़ते थे लोअर क्लास में, तो लाइसोजोम में 60 से भी ज्यादा टाइप के एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब मान लो इनको भी तो डाइजेशन चाहिए। हाँ सर, चाहिए, लेकिन इनके पास तो है ही नहीं कुछ ऑर्गेनेल, राइबोसोम को छोड़ करके और जेनेटिक मटेरियल को छोड़ करके। अब जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा, अब ये लिविंग थोड़ी रहेगा। लिविंग कहलवाने के लिए तो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए चाहिए। अब चाहे जैसा डीएनए हो, तो लाइसोजोम का काम कौन करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो तुम स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस, इस स्पेस को कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरी मतलब सराउंडिंग, प्लाज्मा प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको क्या बोलते हैं? इस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी प्लाज्मिक स्पेस। ये किसके तरह एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज लाइसोजोम। ये लाइसोजोम की तरह वर्क करता है। तो यही था बेटे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, नॉर्मल कॉमन बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। हाँ, अब जिसमें अलग अलग चीजें पाए जाते हैं वो आगे हम पढ़ते जाएंगे, आप समझते जाओगे। चलिए आप नोट कर लीजिए।